हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सुप्रिया। आपका स्वागत है मेरे किचन में, यानी कि सुप्रिया इजी मील में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डॉल केक की रेसिपी। जो डॉल डाल के हम केक बनाते हैं, उसकी रेसिपी हम लेके आए हैं आपके पास। तो चलिए देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मेरे पास है रेड वेलवेट केक, स्पंज केक है, सिंपल सा स्पंज है। छोटा सा केक मैंने लिया है, आप चाहें तो बड़ा केक भी ले सकते हैं। छोटा सा स्पंज केक है मेरे पास। बटर है अबाउट 200 ग्राम्स। बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, नॉर्मल बटर, अनसॉल्टेड। 5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर है मेरे पास। 1 पिंच रेड कलर है, फूड कलर। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और डॉल केक हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए मेरे पास एक डॉल है छोटा सा, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसका कपड़ा मैंने निकाल दिया है। और एक छोटा सा ग्लास चाहिए होगा हमें। इसको हम केक को इसमें इससे कट करेंगे बीच में। और एक पाइपिंग बैग है मेरे पास, जिसमें हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। बोल ले लेते हैं। बोल में डालते हैं बटर। आइसिंग शुगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम अब मिक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे मिक्स करें। मिक्स करते जाएंगे और उसमें सारे शुगर को डाल देंगे। और वनीला एसेंस भी डाल देते हैं हम इसमें 1 टीस्पून। और इसको अच्छे से फ्लफी होने तक फेंटते रहेंगे हम। हमारा बटर क्रीम अब रेडी है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने बीट कर लिया। इसका क्वांटिटी में भी ये डबल हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं बीटर को। सारी क्रीम हम इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए हमारा कितना फ्लफी लग रहा है हमारा बटर क्रीम। चलिए अब केक की फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। स्पंज ले लेंगे। और इसको हम ग्लास लेके बीच में कट करेंगे, ताकि हमारा डॉल जो है उसके अंदर फिट हो जाए। इसको हम सावधानी से निकाल देंगे, चम्मच से हम निकालेंगे सावधानी से। अब इसके अंदर हम डॉल को रखेंगे। पहले हम फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं, फिर हम डॉल को रखेंगे इसके अंदर। चलिए केक के ऊपर क्रीम डालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास ये पेपर है, 4 व्हाइट पेपर है। इसको हम केक के साइड साइड में लगा देंगे, अंदर से नीचे से, ताकि हमारा केक मेसी ना हो, प्लेट हमारा बिल्कुल क्लीन रहे। तो हम इसको इस साइड से चारों ओर से लगा देंगे इसको। अब हम इसके ऊपर क्रीम डालते हैं। मेरा केक छोटा सा है, इसलिए मैं केक की लेयरिंग नहीं कर रही हूँ। आपके पास अगर बड़ा केक हो तो आप केक को बीच से काट के उसके ऊपर क्रीम की लेयरिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको घुमाते हुए क्रीम डालते जाएंगे।
देखिए हमने इसको चारों ओर से अच्छे से क्रीम की लेयरिंग कर ली है, चारों ओर से अच्छे से कर ली हमने। अब इसके अंदर हम डॉल को डालेंगे। डॉल हमारा खड़ा हो चुका है, इसमें खड़ी हो चुकी है एक्चुअली। अब क्रीम को अच्छे से इसमें भी यहाँ पे डालते जाएंगे। इसको हम क्लीन कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लेंगे हम इसको। हमने इसको देखिए चारों ओर से क्लीन कर लिया है, अच्छे से मिला लिया इसको, फैला दिया क्रीम को। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बाकी का क्रीम रह गया है क्रीम, इसमें हम ये चुटकी भर फूड कलर डाल देंगे, रेड फूड कलर। इससे हम डॉल की ड्रेस को सजाएंगे, तो इसको अच्छे से मिला दें। इसको मिला देते हैं अच्छे से। हमने इसको अच्छे से मिला दिया, हमने चुटकी भर कलर लिया था इसलिए इसका कलर थोड़ा पिंकिश सा आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पाइपिंग बैग लेंगे, एक ग्लास में पाइपिंग बैग को रख देंगे और इसमें हम ये डाल देते हैं क्रीम को। इसको निकाल लेते हैं ग्लास में से। और इससे हम इस डॉल के कपड़े को सजाएंगे, ड्रेस को। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हैं, मेरे पास इस टाइप का नोजल है तो इसी हिसाब से मैं बनाने जा रही हूँ। इसके ऊपर भी एक लेयर डाल देते हैं। ये देखिए हमने इसके ड्रेस को सजा दिया है। इसका ड्रेस हम बना सकते हैं, इसको हम कवर कर सकते हैं ऐसे ही क्रीम से। अच्छे से मिला देते हैं इसको। ये देखिए हमने इसका ड्रेस अच्छी तरह से बना लिया है, इसको हमने पूरे कवर कर दिया है। छोटी सी गुड़िया हमारी तैयार है, इसको हम सजा देंगे अभी। अब मेरे पास चोको बीन्स है, आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सजाने के लिए। तो हम इसको चोको बीन्स से हम इसके ऊपर लगाएंगे।
ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं सजाने के लिए, अपने हिसाब से आप सजा सकते हैं अपने तरीके से। ये केक खास करके मेरे बेटे की फरमाइश के ऊपर बनी है, तो वो भी रेडी है, वो भी केक को एंजॉय करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आया हुआ है ये। हाय, ये शुगर कैंडी है मेरे पास, थोड़ी सी शुगर कैंडी है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, इस तरह से हमने इसकी ड्रेस को अच्छी तरह से सजा दिया है, आप देख सकते हैं चारों ओर। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड साइड से ये पेपर को अच्छी तरह से निकाल देंगे सावधानी से, सावधानी से इस सारे पेपर्स को हम नीचे से निकाल देंगे। देखिए हमने पेपर को हटा दिया है, हमारा केक अब बिल्कुल रेडी है, डॉल केक। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है छोटा सा केक, एक छोटा सा केक मेरे बेटे के लिए है। तो ये डॉल केक बिल्कुल रेडी है, आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना घर में। तो आप भी इसी तरह से ये डॉल केक बनाइए घर में, और अपने अनुभव को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए मुझे कैसा बना ये केक। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, bye, enjoy.